अगर आपके भी गुलाब जामुन फ्राई करते समय खुलने लगते हैं या फिर वो चाशनी में जाने के बाद चाशनी को अच्छे से सोखते नहीं हैं और बहुत ही ड्राई बनते हैं, तब ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे आप एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन घर पर बनाकर तैयार कर सकती हैं। गुलाब जामुन तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर 400 ग्राम जितना मावा। आप इसके लिए कच्चा मावा यूज़ करें। कच्चा मावा मीन्स एकदम वाइट और सॉफ्ट मावा होना चाहिए, मावा ज़्यादा टाइम भुना हुआ ना हो। तो मैंने इस मावा को ईजिली घर पर बनाकर तैयार किया है। आप इसके लिए मार्केट से लाया हुआ या फिर घर पर बनाया हुआ मावा यूज़ कर सकती हैं। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे यहाँ पर 100 ग्राम जितना पनीर। मैंने दूध को फाड़कर इस तरीके का छेना तैयार किया है जिसे हम इसमें यूज़ करेंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम जितनी मैदा। जो भी मैं आपको मेज़रमेंट बता रही हूँ आपको यही सेम फॉलो करना है। साथ ही हम डालेंगे 10 ग्राम जितना कॉर्नस्टार्च और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना बेकिंग सोडा। आप याद रखें कि आपको यहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज़ करना है, बेकिंग पाउडर का ना करें, अदरवाइज़ गुलाब जामुन जो है वो कढ़ाई में फ्राई करते समय खुलने लगेंगे। अभी हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि इसका एकदम स्मूथ डो जैसा ना तैयार हो जाए। अगर आपको लगे ये जो मिक्सचर है वो ज़्यादा ड्राई हो रहा है तब आप 1 से 2 चम्मच दूध का यूज़ भी कर सकती हैं। आपको जो डो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है, इस तरीके का एकदम सेमी सॉफ्ट हम मावा का डो लगाकर तैयार कर लेंगे। अभी हम इसे कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक ये हमारा सेट होकर तैयार होगा तब तक हम इसके लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली है यहाँ पर 800 ग्राम जितनी चीनी। जितना भी आप मावा ले रहे हैं उससे जस्ट डबल आप वेट में चीनी लें। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे लगभग 4 कप जितना पानी। जब भी हम गुलाब जामुन बनाते हैं तो इसके लिए हमें चाशनी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा चीनी का यूज़ किया है। अभी इस पूरी चीनी को पानी में अच्छे से घुलने देंगे। जब भी आप गुलाब जामुन बना रहे हैं याद रखें आप चाशनी को पहले से बना कर रखें। अगर आप गुलाब जामुन सेक कर तैयार कर लेंगे और बाद में चाशनी बनाएंगे तब आपके जो गुलाब जामुन हैं उनके अंदर तक चाशनी नहीं जाएगी। चाशनी को अच्छे से पकने देंगे। पकते टाइम ही हम इस चाशनी में 2 नींबू के स्लाइस डाल देंगे पतले से कट किए हुए। इससे क्या होगा, हमारी जो चाशनी है वो भी एकदम साफ बनती है और साथ ही चीनी में क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है जिससे वो गुलाब जामुन के ऊपर जमती नहीं है। चाशनी को पकते हुए अच्छे से 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं पहले के कंपैरिजन में चाशनी हल्की थिक हो गई है। कभी भी हमें गुलाब जामुन बनाने के लिए तार वाली चाशनी नहीं बनानी होती है। चाशनी में बस हल्का चिपचिपापन होना चाहिए जैसे शहद में होता है। अगर आप तार वाली चाशनी बनाएंगे ना तो जो गुलाब जामुन है वो ज़्यादा मीठे हो जाएंगे और चाशनी अंदर तक नहीं जाती है। तो ये आप देख सकते हैं बस हल्का चिपचिपापन आ रहा है, यानी चाशनी हमारी तैयार है। बस इसी स्टेज पर हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अच्छी खुशबू के लिए इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह इसमें केसर के धागे भी डाल सकते हैं। अगर आप केसर यूज़ कर रहे हैं तब आप स्टार्टिंग में ही डालें जिससे इसमें कलर अच्छा आएगा। तो यहाँ हमारी चाशनी तैयार है। चाशनी हल्की गर्म बनी रहे इसके लिए हम इसे कवर कर देंगे और अभी चलते हैं गुलाब जामुन बनाने की तरफ। तो यहाँ हमारे मावा के आटे को रखे हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं। हल्का सा मलका चिकना करेंगे इसे। अभी हम इसमें से थोड़ा सा मिक्सर लेंगे, ज़्यादा ना लें। जितना भी आप मिक्सर लेंगे गुलाब जामुन उसका फूल का जस्ट डबल हो जाएगा। हल्की सी बीच में जगह बनाएंगे। इसमें मैं 2 से 3 किशमिश डाल रही हूँ। आप चाहें तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, अदरवाइज़ बताशे कुछ भी डाल सकते हैं या फिर बिना कुछ डाले भी इजीली बना सकती हैं। बस हाथों से हल्की हल्की गोल बॉल बना लेंगे जिसमें क्रैक्स बिल्कुल ना हो। इस तरीके से एकदम परफेक्ट हमारा गुलाब जामुन बनकर तैयार है। अभी हम इस गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। याद रखें गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ गुलाब जामुन जो है वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और चाशनी में जाते ही गुलाब जामुन सिकुड़ने लगेंगे जिससे इसका जो टेस्ट और टेक्सचर है वो उतना परफेक्ट नहीं आएगा।
तो बस हल्की धीमी धीमी आंच पर गुलाब जामुन को पलटते हुए अच्छा कलर चेंज होने तक सिकने देंगे। आप गुलाब जामुन को इस तरीके से पलटते रहें जिससे गुलाब जामुन जो है वो दोनों ही साइड से अच्छे से सिकेंगे। बस इसे सेकते समय आप एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी आप इसे तेज आंच पर ना सेकें, धीमी धीमी आंच पर अच्छे से पलटते हुए अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने देंगे गुलाब जामुन को। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन में बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे सेकने में। जब आपको इस तरीके का हल्के गोल्डन ब्राउन दिखने लगे बस उसी स्टेज पर हम इसे ऑयल से बाहर निकाल देंगे और गुलाब जामुन को निकाल कर जल्दी से चाशनी में डालेंगे। आप इस तरीके से करेंगे ना तो चाशनी जो है वो गुलाब जामुन के अंदर तक जाएगी। गुलाब जामुन को इसमें अंदर डालने के बाद आप थोड़ा थोड़ा टाइम बाद इस तरीके से पलटते रहें जिससे सभी गुलाब जामुन के अंदर चाशनी अच्छे से जाएगी। अभी आपको इन गुलाब जामुन को सर्व नहीं करना है, इन गुलाब जामुन को चाशनी में ही कम से कम 4 घंटे के लिए, अदरवाइज ओवरनाइट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे जिससे गुलाब जामुन जो है वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट डे जब गुलाब जामुन अच्छे से सेट हो जाएं उसके बाद आप इसे सर्व कीजिए। यकीन माने आप इस रेसिपी को फॉलो करके गुलाब जामुन बनाएंगी ना तो मार्केट से लाना भूल जाएंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी और परफेक्ट आपके गुलाब जामुन बनने वाले हैं। तो प्लीज़ आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो एक बार फिर से मिलेंगे हम इसी तरीके की एक और इंटरेस्टिंग और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।